नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लर्नर से स्पीच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दशहरा पर 10 लाइंस का बहुत ही सुंदर निबंध। पहली लाइन, दशहरा भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है। अगली लाइन, इस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। अगली लाइन, दशहरा आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। अगली लाइन, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगली लाइन, दशहरे से पूर्व 9 दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है। अगली लाइन, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। अगली लाइन, रामलीला में श्री राम जी के आदर्श जीवन को दिखाया जाता है। अगली लाइन, दशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। अगली लाइन, यह पर्व महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का भी प्रतीक है। अगली लाइन,
इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। अगली लाइन, विजयादशमी से पहले नवरात्रि मनाई जाती है। अगली लाइन, नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगली लाइन, दशहरा पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगली लाइन, पर्व पर सभी घरों में तरह तरह के पकवान बनवाए जाते हैं। अगली लाइन, दशहरा के दिन लोग नए कार्य का आरंभ करते हैं। अगली लाइन, इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। अगली लाइन, दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगली लाइन, लोग दशहरा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगली लाइन, यह त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। और अब अंत की लाइन, यह पर्व हमें मानवता का अमूल्य संदेश देता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।